तो बीते दिनों जो यूपी में हिंसक प्रदर्शन सामने आया और उसने किस तरह का नुकसान हुआ उसको लेकर अब यूपी में हुई आगजनी पर एक्शन में योगी सरकार दिखाई दे रही है। सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने और जलाने वाले उपद्रवियों से वसूली की जाएगी। तो योगी सरकार पहचान कर वसूली का नोटिस भेज रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की है। लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए 6 से ज्यादा लोगों का पश्चिम बंगाल से कनेक्शन बताया जा रहा है। तो यूपी में हुई हिंसा में अब तक 18 मौतें जो है वो हो चुकी हैं, 705 गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें से जो 6 हैं वो उनका कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है। तो अब हिंसा प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारियों का दौर जारी है। ये वो तस्वीरें जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उपद्रव बीते दिनों मचाया है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी, ऐसे उपद्रवी भी हैं जिनकी उम्र बेहद कम, लेकिन उपद्रव में ये शामिल थे जिन्होंने इस विरोध को हिंसक रूप दिया और प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है और अब नोटिस भेजकर वसूली जो है वो की जाएगी। तो यूपी पुलिस लोगों को चिन्हित कर उन्हें जुर्माना नोटिस भेज रही है। जुर्माना नहीं चुकाने पर संपत्ति को कुर करने की बात हो रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 19 दिसंबर को हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रवियों के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन्हें चिन्हित किया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं उसी फुटेज के आधार पर और इसी के आधार पर उन पर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और चिन्हित करते हुए उनको नोटिस भेजा जा रहा है। प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में दिनांक 10-12 से अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विधि विरुद्ध प्रदर्शनों, आगजनी, तोड़फोड़ एवं पुलिस पर फायरिंग आदि की घटनाओं के संदर्भ में अब तक जानकारी के हिसाब से कुल 124 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में 705 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 4500 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट करके मुचलके इत्यादि पर छोड़ने की कार्रवाई की गई है।